हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो अभी यहाँ पर मैं हूँ किचन में और काफ़ी दिन हो गए मैक्रोनी या स्पेगेटी कुछ खाए नहीं, तो मैंने सोचा कि ये मिक्स वाली बना लेते हैं आज। तो मैंने स्पेगेटी और मैक्रोनी को जो है ना बॉईल कर लिया है पानी में, सॉल्ट और ऑयल डाल के। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है ना, हम लोग अलीशा के लिए चिकन बना कर रख देते मसाले वाली, तो इसमें से 2-3 पीस निकाल कर जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इसके लिए मैं चिकन तैयार कर लूँ और उसके बाद फिर जो है वेजिटेबल्स को हम फ्राई करेंगे और फिर तैयार हो जाएगी। तो जैसे जैसे करती जाती हूँ दिखाती जाती हूँ। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। फॉइल भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। हम लोगों ने ना इससे पहले निहारी बनाई थी, शूट नहीं कर सकी थी तो निहारी बनाई थी, और पकते पकते सारी जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी गिर गई थी, तो उस वजह से फॉइल पूरी गंदी हो गई, जबकि 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको लगाई थी। तो खैर कोई नहीं, दोबारा से हम चेंज कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी चिकन को फ्राई करना। चिकन अब होने आई है। यहाँ सबसे पहले मैंने ना ऑयल को डालकर, चिकन डालने के बाद इसको जल्दी जल्दी मैंने जो है ना हाई फ्लेम पे हल्का सा जो है ना फ्राई कर लिया, जब तक जो है ना चिकन का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो गया। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो गया, उसके बाद मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब मैं इसकी सारी जो है ना चिकन अलग कर लूँगी, तो ताकि फिर ये थोड़ी रेशा रेशा सा हो जाए तो मैं इसको स्पेगेटी डाल सकूँ। तो पहले मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। काफ़ी सारी चिकन जो है ना अलग कर ली है, लेकिन अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको और ज़्यादा अलग कर लूँगी और उसके बाद फिर अपनी मैक्रोनी बनाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से जो है ना फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, जिसमें मटर है और बीन्स, ये बीन्स होते हैं पता नहीं क्या होता है, और थोड़े से ये स्वीट कॉर्न्स हैं और कैरेट्स हैं और मटर हैं ये है, और उसके अलावा फ्रोज़न कैप्सिकम थी मेरे पास, येलो ग्रीन और रेड तीनों, तो वो भी मैंने डाल दिए। थोड़ा सा इनको बस ऑयल में मैं ऐसे कर लूँगी ताकि थोड़ी सी जो है ना मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी पक जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी, मसाला डाल लूँगी और बस दिखाती जाती हूँ जैसे ऐसे करती हूँ। ऑयल में मैंने वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है ना तंदूरी मसाला डाल दिया था, उसके अलावा कोई भी मसाला नहीं डाला है। तंदूरी मसाला डालकर मैंने थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस डाल दी थी, वो बहुत हॉट होती है, तो वो मैंने डाल दी थी थोड़ी सी मिर्चों के लिए, और चिकन जो बनाई थी वो भी डाल दी थी, और उसको जो है ना अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने मैक्रोनी और स्पेगेटी डाल के उसको मिक्स कर लिया। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गई, थोड़ी देर के लिए ढकूँगी ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसके बाद खाऊँगी। ओके जी, तो अब हो गई है स्पेगेटी तैयार, तो अब हम इसको खाएंगे, बहुत भूख लगी है। ओके जी, तो अभी बज गए हैं 12:30 और सुबह नहीं दोपहर हो गई है और मैं उठ गई हूँ, यहाँ पर चाय पी रही हूँ। अलीशा भी अभी अभी सो के उठी हैं, बालाजी भी उठ गए थे तो उनको चेंज करा दिया मैंने, और मैं जो है अभी उठी हूँ 12 बजे और अलीशा अभी उठी हैं, तो बस अभी ये चाय पीती हूँ, अपना नाश्ता कम्प्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
ओके, तो अब मैंने यहाँ पर जो है ना बर्तन धोना शुरू कर दिए। नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अलीशा को भी जो है ना नहला कर मैंने चेंज करवा कर वो अब खेल रही हैं। बालाज भी सो गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कुछ लगा भी नहीं है, लेकिन जो है ना पैर के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो खैर मैं बैठूँगी थोड़ी देर, उसके बाद देखें क्या करती हूँ और बस यही करूँगी। और रात को मैं बालाज के लिए उठी थी, तो ऐसे ही अचानक मैंने जो है ना खिड़की का थोड़ा सा पर्दा हटाया, तो बाहर इतनी खूबसूरत सी, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत प्यारी स्नो हुई हुई थी। ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैं सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, भले ही अंधेरा है, लेकिन तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को बना लेती हूँ। तो वीडियो बना ली और बहुत ही प्यारी हो रही थी स्नो। तो अभी आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद इस क्लिप के बाद वो वीडियो आपको दिखेगी, बहुत प्यारी स्नो थी।